ओम शांति। 17/10/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो, ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? बाबा ने आज बताया कि सेवा जो बच्चे करते हैं उनके मन में कौन से ख्याल, कौन से संकल्प नहीं चलने चाहिए। उत्तर, ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव कैसा होना चाहिए? बहुत मीठा। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है, फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए यह ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर यह सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर यह सर्विस भी ना करे तो बोझ चढ़ेगा ना। इसीलिए संकल्प पहले से ऐसे नहीं चलाओ जो आगे चलकर आप पूरा भी ना कर सके और फिर आप वो काम भी करके बैठ जाएं जो नहीं करना चाहिए था। तो सर्विस में रह के भी बाबा की सेवा की जा सकती है, गृहस्थ में रह करके भी बाबा की सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर तुम सर्विस करते, सेवा करते, मेरा परिचय देते, मैं तो मीठे ते मीठा हूँ। यदि मेरे बच्चे भी कड़वा बोलेंगे, क्रोध में आएंगे, तो फिर आप बच्चे बाप का परिचय कैसे देंगे? सामने वाला मूंछ जाएगा और फिर वह पढ़ाई पढ़ेगा ही नहीं, है ना, छोड़ देगा पढ़ाई। बाप की पहचान देने वाला तो बहुत मीठा होना ना। बाबा कहते हैं फिर माया प्रवेश करेगी, संशय बुद्धि बना देगी, है ना। तो यह सब बाबा कहते हैं, मीठा बनो और ऐसा नहीं कि सर्विस छोड़ दो और ख्याल चले कि मैं बाबा की सेवा करूंगा और फिर नहीं करी, बैठ गए तो बोझ चढ़ेगा, है ना। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमो शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे। जो आम मनुष्य आत्माएं हैं वो जब ओम नमो शिवाय कहेंगे तो क्या समझते हैं, क्या मन में ख्याल रखते हैं कि जो मंदिर में पूजा करते हैं ना शिवलिंग की, उन्हें याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे, वो ही भक्ति। और हम बाबा के बच्चे जब यह कहेंगे तो क्या याद आएगा, शिव निराकार, है ना, हमारा बेहद का बाप याद आएगा। तो हम तो शिव बाबा को कहेंगे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे, चित्रों में हमें भगवान नहीं दिखता, हमें तो निराकार में भगवान दिखता है। तो तुम जानते हो वह शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, रात दिन का फर्क हो गया है। यह दुनिया को पता नहीं है शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनका बाइबल बना। यहाँ शिव पुराण है, परंतु वह तो दूसरे किसी ने बनाया, अब शिव ने तो बनाया नहीं। वास्तव में सच्चा शिव पुराण क्या है, जरा ध्यान करिए, गीता है। बाप ने तुमको समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है, समझ कर बैठ नहीं जाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया, शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहें व शिव पुराण को कहें, दो तो हो ना सके। भारत का धर्म शास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं, इसने यह सुनाया, क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा जिसका बाइबल बना, तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। अब ऐसे तो हम फिर बच्चों को भगवान के बारे में बताते हैं तो हम बच्चों को कुछ मन से भी लगा देते ताकि बच्चे भगवान को माने, है ना, थोड़ा हम जोड़ भी देते हैं ताकि
बच्चे समझे जल्दी से। तो बाबा कहते ऐसे ही उसमें भी किया, जो मन में आया सो जोड़ दिया। लेकिन शिव पुराण तो दो हो ना सके, है ना, गीता दो हो ना सके, भगवान एक है। बाबा कहते हैं जो गीता ज्ञान सुना रहा हूँ वही शिव पुराण है, शिव के द्वारा हम सुन रहे हैं, ऐसे तो नहीं वो अलग होगा वो अलग होगा, है ना। बाबा कहते इस तरह से आप कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है उसमें, तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। संसार में कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी आपको ज्ञान दे, कुछ भी कहें, लेकिन पवित्रता का ज्ञान कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो पवित्र है ही नहीं। पवित्रता का ज्ञान तो वही देगा ना जो पवित्र होगा। तो परमात्मा के सिवाय और कोई संसार में पवित्र हो ना सके, तो राजयोग भी वही सिखाएगा जो राजेश्वर होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई क्या? नहीं ना। तो मन मना भव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा, शिव पुराण अलग है। यह है श्रीमत् भगवत गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है, उनका नाम शिव है, वह गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, वो तो खुद अभी यहाँ बैठ पढ़ाई पढ़ करके पावन बन के पावन दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो फिर वो कैसे बना सकता? शिव पतित पावन है, भारत का धर्म शास्त्र है गीता। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। आप कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, आप कौन सी गीता कौन सी देवी देवता, और वो गीता ज्ञान दाता जो है वो कहाँ है, कब ज्ञान देता है, फिर कैसे देवी देवताओं को बनाता है ना। तो जो मंदिर में भी विराजमान है वो कौन है, अब वो कहाँ से आते हैं, और वो अभी वहां मूर्तियों में है तो फिर वो कहाँ गए, कैसे दिखते थे, क्या करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी बायोग्राफी क्या है, यह सब तो जो उनको बनाने वाला है वो जानता होगा। तो अब वो आया है, तो बाबा कहते वह तो शिव ही कर सकता है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है, फर्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता है जो समझते हैं उनका फर्ज है अलौकिक कार्य करना, खुशी होनी चाहिए, अथाह खजाना मिलता है तो दान देना है। बाप का परिचय देना बहुत सहज है, भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान आकर फल देते हैं। फल कौन सा? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे। सर्व का सदगति दाता श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता, परमपिता परमात्मा को कहेंगे। तुम जानते हो परमात्मा निराकार है, श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप बन नहीं सकता, सभी आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा ही गाया हुआ है। बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय देना है, वह तो सर्व व्यापी या लिंग कह देते हैं, भला लिंग का ऑक्यूपेशन क्या होगा। परमपिता परमात्मा की तो महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर, या पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए, कोई भी आए तो पढ़े। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है, बाप से उच्च वर्षा पाने का शौक चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करते करने वाला है, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कब होता नहीं, अकल्याणकारी रावण है, यह मनुष्य नहीं जानते। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या करता हूँ, सुखी बनाने आता हूँ, सुख की दुनिया का मालिक बना करके मैं तो दुख देने आता ही नहीं हूँ। तो अकल्याणकारी तो रावण है, यह मनुष्य नहीं जानते, तुमको जाकर समझाना है। बादल भरकर फिर जाए बरसना है,
बादल भरकर क्या करना है, बरसना है, और कौन सी वर्षा करनी है, ज्ञान वर्षा करना है। पहले बादलों को भरो, फिर बादलों को बरसाओ। शौक कितना होना चाहिए, अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया है, तब औरों का नहीं कर सकते। खुद ने खाया तो क्या खाया, दूसरों को खिलाया तो वो ये तो कहेंगे कि उसने खिलाया। खुद तो सभी खाते हैं, देखिए अपना अपना तो सभी करते हैं, अपने बच्चों की पालना करते हैं, बच्चों को नंबर वन लग्जरी लाइफ देने के लिए मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो तो दिया, लेकिन यदि आपने किसी और को नहीं दिया तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे ही ज्ञान है, आपने लिया तो क्या किया, कुछ भी नहीं, दूसरों को दिया तो सब कुछ किया। सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करें यह नहीं करते। सुनते हैं फिर धंधे में थक कर गए तो खलास, दान नहीं देते हैं तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है, हर एक को अपने दिल से बात करनी है। ऐसे नहीं है कि मुख से बोलने की बात बाबा यहाँ कहते ही नहीं है, मन से बातें है ना, मन में परमात्मा की बातें, परमात्मा से बातें। अगर किसको देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा। शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही कल्याणकारी, मेरा नाम ही है शिव, और शिव का नाम होता है, शिव का मतलब ही है विश्व कल्याणकारी। तुमको भी कल्याणकारी बनना है बाप समान, भल जिनको धारणा नहीं होते उनके लिए स्थूल सर्विस है, जो नेत्रों से दिखाकर उनको झुककर उनको समझा जा सकता है चित्रों पर। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है, स्थूल सर्विस बाबा कहते, जिनको धारणा नहीं होती ना, तो सर्विस सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है कि हमने कितनों का कल्याण किया। आते बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं, बाबा कहते पूछना चाहिए ना, आते बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं, बाकी धंधे आदि में लग जाते हैं, समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ, परंतु धन दान भी करना है। अपने से पूछना है, अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। बहुत बच्चियां कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं, उनमें भी नंबर वार है, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, थर्ड में रखेंगे। तो अपना कल्याण करना चाहिए, जिनको अपने कल्याण का नहीं वह क्या पद पाएंगे। बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते, इतनी ताकत नहीं जो जाकर दान करें। सवेरे मंदिरों में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाला कौन है। और ऐसे नहीं कि आप जाएंगे पूछेंगे कि भैया आप देवता धर्म वाले हैं, अरे तो देवता धर्म उनको पता भी तो होना चाहिए। तो पहले आपको उन्हें खुद की पहचान अर्थात आत्मा की पहचान और परमात्मा की पहचान देनी होगी कि तुम जहाँ बैठ करके ये भक्ति कर रहे हो और मंदिरों में जिसे पूछ रहे हो, जिसके बारे में तुम बता रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि उनको कौन ने बनाया था, उनका बायोग्राफी क्या है। तो यह बातें पहले आपको उन्हें देनी होंगी, समझानी होंगी, फिर वो समझेंगे, तब फिर वो देवता धर्म का है कि और धर्म के हैं पता चलेगा। अब बाप कहते हैं मैं इस तन में आया हूँ, ब्रह्मा तन में, वह तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है। घोष छाया के मुआफिक आते हैं, यह भी बंदर है, भूतों का देखा ना, तो कैसे घूमते फिरते रहते हैं, कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर ना मिलने कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है, है ना। आज बाबा ने क्लियर किया है कि जो आत्माएं भटकती हैं, देखिए क्या होता है जब हम शरीर छोड़ते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो माँ के गर्भ में जाकर के सीधे दूसरे गर्भ में एक दूसरा नया कपड़ा शरीर का ले लेती है। और दूसरा होता है जो 13 दिन के बाद लेती है, थोड़े कुछ उनकी इच्छाएं बाकी रह जाती हैं तो वो भटकती रहती है। और एक होती हैं जिनको लिए तैयार नहीं होता शरीर, अब जैसे अकाले होलसेल में मौतें होती हैं, तो अब करोड़ों लाखों आत्माएं जब एक साथ शरीर छोड़ेंगी, तो कोई कोई आत्माओं को तो जरूरी नहीं ना कि दूसरा शरीर मुकर्रर रखा हुआ है, तैयार है, तो वो आत्माएं क्या होती हैं, भटकती हैं। और बिकारी आत्माएं
जो होती हैं वो क्या करती हैं, असुरी अवगुण वाली वो आत्माएं किसी को भी अपना शिकार बना लेती हैं, कमजोर आत्मा पर अपना क्या करती हैं, अपने शरीर को अपना समझ लेती हैं उनके शरीर को, और उसमें क्या करती हैं आ जाती हैं ना, तो उसे ही फिर प्रेत आत्मा कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा को शरीर ना मिलने कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है, गोष्ठ की परछाई नहीं पड़ती, आया गुम हो जाता है, हो गया। इन बातों में अपने को कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है बाबा कहते हैं, है? जाना है क्या? नहीं जाना है, दरकार ही नहीं है बाबा कहते हैं, उन सब से क्या करना। अरे पहले तुम खुद तो समझ लो खुद को, फिर उन सबको भी समझ लेना। तो इस खोज में जाएं तो शिव बाबा भूल जाए, अब उधर लग जाएंगे तो शिव बाबा कहाँ याद रहेगा। बाबा का फरमान है निराकार बाप को याद करो, अपनी और दूसरों की देह को भूलना है। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं मुझे नहीं, मुझ में बैठे उस परमात्मा को याद करो, उस बिंदु को याद करो जिसमें सिंधु समाया है, मैं मात्र आधार हूँ। सबका प्यारा है शिव बाबा, बाप कहते हैं और कोई बाप में ना जाकर बाप को याद करो। कई कई जानवरों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझना शुरू करने के लिए आ जाते हैं, बाबा कहते हैं अरे जीव जंतुओं की देख लेना, पहले मनुष्यों की गति दुर्गति के बारे में तो समझ लो। तो यह है याद की यात्रा। मनमना भव का अर्थ भी यह है, श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे, वो बाप का बच्चा है और बच्चे को गाइड नहीं कहा जाता, ना कह सके। निराकार ही गाइड बन सभी आत्माओं को ले जाते हैं, मच्छरों सादृश्य आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण हो ना सके। जो जन्म मरण में आते हैं वो कोई भी गाइड बन ना सके, जो भगवान है एक ही बन सकता है। तो उनको पुनर्जन्म में जाना है, जिनको पुनर्जन्म में जाना है वो आत्माओं का गाइड कैसे बन सकता। तो बाप का परिचय सबको देना है, भक्तों का भगवान एक है, आत्माओं का परमात्मा भगवान एक ही है। वह बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश हो, सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने तो सुनाने वाला जरूर चाहिए, बाबा जहाँ जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे, सर्विस का शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं वह सम्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप नहीं जा सकते, निराकार जो परम पिता है वो परम पिता सभी जगह सभाओं में नहीं जा सकते, है ना, इसलिए तो उन्होंने मुकर्रर किया है आत्माओं को, है ना, तो निमित्त चुना है अपने सेवाधारी बच्चों को। तो फिर जगह जगह वो सेवाधारी बच्चे सेवा दे करके बाबा का परिचय दे रहे हैं, उनकी सेवा का जो मेन कहना चाहिए एम ऑब्जेक्ट है वो है ही परमात्मा का परिचय देना। तो वह बच्चों का काम है, बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि तो बाप के आगे आएंगे ही नहीं, उनको तो मान चाहिए। समझा बाबा क्या कह रहे हैं, बाप का पार्ट वंडरफुल है, जो पास हुआ ड्रामा आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे, आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे, बाप का पार्ट तो वंडरफुल है ना। तो जो पास हुआ ड्रामा उसमें बाबा कहते हैं ऐसे ही सन्यासी तो नहीं आएंगे, बाबा कहते क्योंकि उनको तो मान सम्मान चाहिए है, और जो पास हुआ ड्रामा आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे, पहले बच्चों को समझाना पड़े, गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है। समझा बाबा ने आज और एक और अथॉरिटी दे दी है ना, गोपियां कौन और गोपी बुल्लभ कौन, हाँ परमात्मा है गोपी बुल्लभ और हम सब आत्माएं गोप गोपियां हैं। तो जो बाबा के बच्चे हैं वो बाबा के प्यार को जानते हैं, कहते हैं ना गोप गोपियों से पूछो गोपी बल्लभ का प्यार। तो कोई भी उलहना ना दे, रहना जाए कि हमको पता नहीं पड़ा, राजा रानी तो कोई है नहीं जो इतला करें। नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाकर वृद्धि कराते हैं, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। निमंत्रण बच्चों को देना है, इसके लिए चित्र आदि छपाते रहते हैं।
यह चित्र बाहर भी जाएंगे। बच्चों को मेहनत करनी है, जो जो भाषा जानता है वह उस भाषा में जाकर समझाए। देखिए, तेलुगु में, तमिल में, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबिक में नहीं है शायद, तो 15 भाषाओं में बाबे की मुरलियाँ चलती हैं, आप सभी जानते होंगे ना। तो अनेक भाषाएं हैं, जो जिस भाषा का है उस भाषा में ट्रांसलेट करके समझाओ। बाबा राय देते हैं, पूना और बेंगलोर तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ। आज बाबा ने पूना और बेंगलोर का बताया है। सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में पर्चे छपाने हैं, बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ी फिर यह सर्विस भी ना कर सके तो बोझ चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है, आंख दिखला देते हैं, फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं है, यह अक्षर निकलना नहीं चाहिए। बच्चों में देह अहंकार व क्रोध है तो बहुतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। क्रोध आप में है लेकिन छोड़ते किसको हैं? बाप को छोड़ देते हैं, है ना। तो नुकसान करा देते हैं बच्चे, पहुंचा देते हैं नुकसान। बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है, तुम बच्चों को क्या बच्चों का ख्याल रहेगा, है ना। रचता को रहेगा रचना का ख्याल, तो वो बाप को फिर कितना ख्याल रहता है। सब बच्चों पर नजर रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी, उनको फुरना रहता था। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है, फिर कई संशय बुद्धि भी बन पड़ते हैं। कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा है कल बदल जाता है। विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते हैं इस संस्था की ग्लानी क्यों है, समझते नहीं है ना। शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी ग्लानी की है। फलानी को भगाया, यह हुआ, श्री कृष्ण तो ऐसे कर ना सके, कह दिया कि इतनी हजारों पटरानियां थी, भगवान के पटरानियां रखेगा। अब मीरा प्रेम की दीवानी थी, प्रेम मीरा करती थी। भगवान प्रेम का भूखा है, भगवान पटरानियों के साथ नहीं चल जाता है ना। तो भगवान तो श्री कृष्ण नहीं है, और वो तो सत्व प्रधान अवस्था में, वो क्या विकारों में थोड़ी होगा जो इस तरह से बता देते हैं भगानी फलाने को भगाया, ये किया वो किया, है ना, उसने उसको जहर भरा, दूध पिला करके ऐसे मारने की कोशिश करे। अरे वहां पे तो कोई ऐसी माया होती ही नहीं जो श्री कृष्ण को मरने मराने की बात आ जाए। बाहरे दुनिया, बाहरे मनुष्य मत, हाँ। तो यहाँ भी भगाने का कलंक लगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं। क्यों छुड़ाते हैं, वह तो कोई जानते नहीं। बाबा क्यों घर छुड़ाएगा, क्यों परिवार से दूर करेगा, क्यों ऐसा कहेगा बाबा की घर छोड़ दो, हाँ बच्चे छोड़ दो। बाबा तो और अथॉरिटी दे रहे हैं कि बच्चे मैं सबको अपने पास बुलाकर बिठा नहीं सकता, जो जहाँ है मैं वहाँ आ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम सब बच्चों को यहाँ बुलाकर नहीं बिठा सकता। जिसका जैसा ड्रामा में पार्ट है, जहाँ जिसका कर्म है वहाँ कर्म करते, मन मना भाव अर्थात मन से मुझे याद करते रहो, कर्म में रहते मुझ एक को याद करते रहो, तो जहाँ तुम आवाज दोगे संगम योग पर मैं यहाँ हूँ, और मैं अवतरण होकर के तुम बच्चों के लिए ही आया हूँ, तुम बच्चियों के लिए ही आया हूँ। मैं गरीब निवास बाप सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए आया हूँ, बेगर टू प्रिंस बनाने के लिए नष्टो मोहा बनो, है ना। घर में रहो, जहाँ हो मन का दरवाजा खटखटाओ, मन से मुझे याद करो, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से सब तक पहुंचाया जाए, है ना। घर बार नहीं छुड़ाते हैं, वह तो कोई जानते नहीं, जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं। मुख्य है काम विकार, जिस पर तुम बच्चे विजय पाते हो। यह वंडरफुल बाप है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना है। माया ऐसी है, तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं, कितना माया के विघ्न पड़ते हैं। धारणा नहीं होती है, यह भी विघ्न है ना। क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते हैं? भगवान बाप तो वह है, उस अल्फ को याद करो। भगवान बाच मामी कम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा, ओ गॉडफादर भगत कहते हैं ना। तो बाप से वर्षा मिल रहा है, कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते।
सर्विस तो ढेर है, रोला बहुत है, बाप का नाम भी गुम, नॉलेज भी गुम, तो अब पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण देना है, इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर्स छपे हैं सर्विस के लिए, रखने के लिए नहीं बने हैं, शिवाय नमः अक्षर बहुत अच्छा है, पूरा शिव बाबा का परिचय है, निराकार शिव बाबा आया है, जरूर बरसा दिया है, आकर पतित दुनिया को पावन बनाया है, ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर में भी बहुत हैं, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहन लिया सफेद सफेद वस्त्र और लगा लिया बाबा का बहुत बड़ा सा वैसे बैनर लगा लिया, फ्लैग हाथ में रख लिया और फिर चले, उसे गुप्त सेवा नहीं कहेंगे। आप चाहिए दर्शन के तौर पर चाहिए, शिव मंदिर में पूजा के हिसाब से चाहिए, लेकिन मन में आपके संकल्प क्या चलने चाहिए कि मैं जा रहा हूँ सिविल में और गुप्त वेश में, मैं रूहानी है ना, रूह से देता हूँ ना, रूहानी पिता को रूह से याद करना है और जाऊंगा तो फिर वही सोच करके फरिश्ता बन के जाना है ना, तो गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए यह शिव कौन है, क्वेश्चन करो। शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है, उन्होंने क्या किया जो इतना मंदिर बनाया है, युक्ति से जाकर समझाना है, पहले उन्हीं से क्वेश्चन पूछना है, जब उनको आंसर ना आए तो शुरूर बुद्धि बच्चे अच्छे से समझा सकते हैं, अब भल समझे व ना समझे, है ना, वो तो उनका काम है, टीचर का पढ़ाने का काम है, बाकी बच्चों को ऐसा तो नहीं है ना कि जान ही ले लेंगे, तो अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया था। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है मुरली का, बाबा ने पहला कहा अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, थककर बैठ नहीं जाना है, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है, दूसरा ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले या मात पिता को फुरना हो, किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है, वरदान बाबा का। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा शत्रु छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव, बाप की याद ही शत्रु छाया है, जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है, शत्रु छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना, जो संकल्प से भी शत्रु छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है ना। अब लौकिक में हम कभी जाते थे है ना, या मूवीज के सीन में आपने देखा है कि कहीं गए, उसने एक तावीज दिया, रक्षा सूत्र मंदिर से लेकर के आया, बांधा, और वो रक्षा सूत्र क्या होता है, जब उसके ऊपर कोई विघ्न आने वाला होता है, कोई मुश्किल, तो वो रक्षा सूत्र आप ही टूट जाता है, अपने आप टूट कर गिर जाता है, गुम जाता है ना, देवी का तावीज पहनाएंगे, देवी का वो पहनाएंगे तो गिर जाता है, माना उसके ऊपर माया आ गई। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, अब बाबा ने उसे यथार्थ क्या समझाया है कि मेरी याद में जो संकल्प से भी शत्रु छाया से बाहर निकलते हैं उन पर विघ्न माया का वार होता है, शत्रु छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार, इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। अब सीते को क्या दिखाया, उसको सोने का हिरण पसंद आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि उसे लगा हम अपने माताओं को, चार माताएं दिखाते ना राम की, उनको जाकर हम ये उपहार स्वरूप देंगे तो हमारी चारों माएं क्या हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। तो राम से उन्होंने क्या किया, उसकी चाहत में उनको कहा कि उस वो मुझे चाहिए, तो राम ने क्या किया, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा दी, है ना, ऐसा दिखाते, और वो तो माया थी, है ना। तो इस तरह से बाबा ने बताया कि माया जीत बने, है ना, स्लोगन। अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को
समीप लाने का आधार है। अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। तो अशरीरी कैसे बनेंगे, जब सुबह आप उठते ही संकल्प में रहेंगे, वो पूरे दिन संकल्प में रहेंगे और समझ कर रहेंगे। शरीर से न्यारा होना माना खुद को आत्मा समझना। आत्मा जब समझते हैं तो हमें उसी परमात्मा की याद आती है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा की जो है याद रखती है, क्योंकि वो निराकारी परमात्मा को निराकार ही याद कर पाएगी ना। तो परमात्मा की याद में रहने के लिए आपको ब्रह्मकुटी के बीच विराजमान एक क्या देखना है, बिंदु को देखना है, लाइट के शरीर को देखना है, जो दिखता नहीं है लेकिन उसे आपको फील करना है। तभी फिर हम वो सुप्रीम सोल को फील कर पाते हैं। और सुप्रीम सोल को फील करना माना ऐसा नहीं है कि आपके आसपास कोई लाइट चमक जाएगी या आपको कोई ऐसा दिख जाएगा जिसे आप छवि बना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही आपको सर दर्द करने की आवश्यकता है। कई कई ब्रह्मकुटी के बीच में कहते हैं चक्र नहीं बनता है, वो बिंदु तो समझ में ही नहीं आता है, मैं टिक नहीं पाती हूँ, और बार बार कोशिश करते हैं कि मैं उस बिंदु को देख पाऊँ, और फिर वो क्या करते हैं, सर दर्द हो जाता है और अटेंशन देने की बजाय टेंशन ज़्यादा हो जाता है। तो अटेंशन में टेंशन नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर अटेंशन क्या क्या फायदा। तो देखिए, ना तो आत्मा कोई चित्र है और ना परमात्मा कोई चित्र है, दोनों ही अदृश्य हैं, दोनों ही विचित्र हैं। तो सिर्फ आपको याद करना है जैसे आप अपने किसी आशिक की याद करते हैं, या कोई आप अपने बड़े बुजुर्ग की, या कोई अपने की जो खो गया है लेकिन आपको याद हर पल बनी रहती है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हैं। तो आपको परेशान होने की या मुश्किल में पड़कर के परमात्मा की याद में रहने के लिए परमात्मा नहीं कहते, पिता हमें कष्ट में देखकर और कष्ट में हो जाते हैं, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। सहज रीति सिर्फ परमात्मा को याद करना है। बाबा समझता है कि बच्चे मुझे याद कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का, गुड नाइट, ओम शांति।